नंबर 120. प्रॉब्लम नंबर 10. चलो क्वेश्चन में ध्यान देना है सभी ने. फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ KBP इंजीनियरिंग कॉलेज नाशिक फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 को ईयर एंड हो रहा है. एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. करंट ईयर, करंट ईयर है 1819. दिस इज करंट ईयर. हाँ, क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है हमें. रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. क्रॉस इंटरेस्ट इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइबिलिटी, डोनेशन इनकम, ट्यूशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, सन्ड्री रिसिट इनकम, एडमिशन फीस ब्रैकेट में दे रखा है, रेवेन्यू इनकम. लेट्स कम टू पेमेंट साइड. सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर, बुक्स. अभी बुक्स के बारे में क्या कहा है, देखो नीचे एक डिब्बा दिया है ना बनाकर एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला, उसमें 1 अप्रैल का बैलेंस है, 31 मार्च के बैलेंस है, किया है देखो एडजस्टमेंट हम लोग ने ऐसे वाला. 1 अप्रैल 2018 के बैलेंस दे रखे हैं और यहाँ 31 मार्च 2019 के बैलेंस दे रखे हैं आपको. और आपको यहाँ दिया है बुक्स, बराबर. अभी बुक्स का ओपनिंग बैलेंस क्या है? 6 लाख. क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 6 लाख ही है. और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको बोला है कि बुक्स हम लोग ने अभी पेमेंट में दिया, मतलब हम लोग ने पैसे दिए और बुक्स परचेस किए, नए बुक परचेस किए, कितने के किए? 61,000. अभी इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं इसके ध्यान दो. आप अगर बैलेंस शीट में इसे रिकॉर्ड करोगे तो कैसे करोगे? ओपनिंग वाले बुक्स हम लोग सबसे पहले लेंगे शुरू में, ओपनिंग बैलेंस बुक्स का. ये आपके असेट साइड, फॉर एग्जांपल असेट साइड है, यहाँ पर आप पहले लिखोगे बुक्स कितने के. अपने पास बुक्स थे कितने? 6 लाख के. ड्यूरिंग द ईयर रिसिट एंड पेमेंट में जो हम लोग दे रखे हैं बुक्स 61,000 के, ड्यूरिंग द ईयर हम लोग ने बुक्स क्या किए? परचेस्ड किए. कितने के परचेस किए? 61. तो पहले 6 लाख के बुक्स थे अपने पास, उसमें हम लोग ने और बुक्स क्या किए? परचेज किए. वहां जाकर क्या करोगे आप? एड परचेसेस. कितने के परचेस कर रखे हैं? 61. तो अपने पास कितने के बुक्स हो गए अभी? 6,61,000 के बुक्स हो गए. हमें आगे जाके एंड का बैलेंस भी दे रखा है, 31 मार्च 2019 का बैलेंस दे रखा है. दिस इज क्लोजिंग बैलेंस. ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ दिखना है? आउटर में आना चाहिए ना. क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आना चाहिए? आउटर में. मतलब इसके अगर आउटर में मैं देखूँ तो कितना बैलेंस आ रहा है? 6 लाख. क्या समझ में आ रहा है इसमें से? डेप्रिसिएशन, हिडन डेप्रिसिएशन यहाँ पर है ना. तो डेप्रिसिएशन कितना है? 61,000 का यहाँ क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन. तो ये डेप्रिसिएशन वाला ट्रीटमेंट आप करोगे. डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट आपको करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर साइड. यहाँ कहीं दिया नहीं था डेप्रिसिएशन, हमें समझ कर लेना है. देखो ओपनिंग बैलेंस लिया हम लोग ने, उसमें ऐड किए ये रिसिट एंड पेमेंट में जो दे रखे थे परचेसेस, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था, इससे समझ में आया कि इतना क्या हुआ है? डेप्रिसिएट हुआ है. दिस इज डेप्रिसिएशन. अंडरस्टूड? तो ये इस हिसाब से ट्रीटमेंट होगी बुक्स के ऊपर. तो नीचे जो बुक्स दे रखे हैं ना आपको 6 लाख पे, वहाँ ये दो टिक मार्क करो, दो एडजस्टमेंट इस तरह से करने हैं. फर्नीचर सेम ऐसे ही है. देखो फर्नीचर का भी ट्रीटमेंट क्या होगा. फर्नीचर का भी ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो ऐसे ही होगा जैसे बुक्स का किया है. फर्नीचर आप सबसे पहले क्या करोगे? फर्नीचर का
ओपनिंग बैलेंस लोगे, कितना है ओपनिंग बैलेंस? कहा नीचे टेबल में दे रखा है ना, 1st April 2018 का बैलेंस कितना है? 3,19,000 टेबल में दे रखा है नीचे। हाँ, उसमें आप ये जो ड्यूरिंग द ईयर रिटर्न पेमेंट में दिया है, पेमेंट साइड में फर्नीचर, वो फर्नीचर क्या किया हम लोग ने? परचेस्ड किया, राइट? तो उसमें जाकर आप करोगे एड परचेस्ड। कितना परचेस किया? 51,000 का परचेस किया। तो अपना टोटल फर्नीचर की वैल्यू कितनी बन रही है अभी? 3 lakh कितनी? 3,70,000। ओके, ये आपकी फर्नीचर की वैल्यू बन रही है। हमें एंड वाला बैलेंस कितना दिया रे? क्लोजिंग बैलेंस 3 lakh। अगेन यहाँ क्या समझ में आया आपको कि फर्नीचर की वैल्यू आउटर में, एंड में बैलेंस अगर 3 lakh है तो फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो यहाँ पर भी क्या है? डेप्रिसिएशन, जो हमें पता नहीं था कितना है, 7,000। इसकी इफेक्ट भी क्या? एक्सपेंडिचर साइड में आप लिखोगे सेकेंड इफेक्ट जाकर, तो फर्नीचर की भी इस हिसाब से ट्रीटमेंट होगी। अंडरस्टूड? ऐसा वाला क्वेश्चन किया है हम लोग ने पहले में। आगे स्टेशनरी, बिल्डिंग स्टेशनरी, हाँ रिसिट एंड पेमेंट में आ जाओ ना, फर्नीचर हो गया, बाद में स्टेशनरी कहाँ लिखोगे? एक्सपेंडिचर। फिक्स्ड डिपॉजिट, अभी इसकी ट्रीटमेंट क्या हो रही है देखो। फिक्स डिपॉजिट 31st March 2019 को हम लोग ने और फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कितने की? 8,50,000। और भी फिक्स डिपॉजिट दे रखे थे ओपनिंग के, दिए ना कितने? 9,10,000। मतलब अपने पहले फिक्स डिपॉजिट पुराने वाले थे 9,10,000 के, पहले हम लोग ने FD कर रखी है ना, कितने की? 9,10,000 की, ओल्ड है अपने। 31st March को समझ में, और FD की है हम लोग ने नई वाली, और एक FD कर रखी है। ओके, तो ये FD और एक हो गई कितने की? 8,50,000। तो ये दोनों भी आपकी क्या होनी चाहिए? एसेट साइड में दिखनी चाहिए, दोनों भी कहा एसेट। ऐड करके लिख सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कैसे भी लिखा तो भी चलेगा। समझे ट्रीटमेंट? समझे इसकी? बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में लिखोगे, बैलेंस शीट ही बन गई है तो, है ना, तो वहां पर आप लिख दोगे बैलेंस शीट में, एसेट में। अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बुक्स का ट्रीटमेंट हो गया, फर्नीचर का हो गया, बिल्डिंग फंड इट्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करोगे, फिक्स डिपॉजिट का ट्रीटमेंट बता दिया, कैपिटल फंड लाइबिलिटी। अभी एडजस्टमेंट में ध्यान दो, फर्स्ट 50% ऑफ डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू। कोई नहीं, डोनेशन में से 50, डोनेशन में से 50 निकाल, 50% निकालना है और किसे देना है? बिल्डिंग फंड को देना है, ठीक है? तो डोनेशन में से 50% लेस करोगे आप, बिल्डिंग फंड में 50% ऐड। टिक मार्क करो डोनेशन को और बिल्डिंग फंड को। आगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड, सब्सक्रिप्शन को टिक मार्क। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज्ड, कुछ नहीं, डायरेक्टली आप क्या करोगे लाइफ मेंबरशिप में से लेस कर दो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेस कर दो, कैपिटल में जाकर ऐड कर दो, ठीक है? ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। क्लोज, अभी आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। इनकम में फटाफट कर लेते, चलो इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, टेल मी द अमाउंट, 55,000, अगर एडजस्टमेंट होगा तो बताओ। हाँ, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन इनकम में 28,300 इनर में लिखोगे क्योंकि एक एडजस्टमेंट है। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस यहाँ लिखकर लेस करके वहाँ भेजना है ना, बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, नहीं लिखा डायरेक्टली ऐड किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइफ मेंबरशिप फीस डायरेक्टली आप कैपिटल में भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 25,000। नेक्स्ट डोनेशन बाय एडजस्टमेंट है,
डोनेशन, इनर में लिखोगे 7 लाख, 7 लाख ना। नेक्स्ट ट्यूशन फीस बाय ट्यूशन फीस 12,30,000 इन आउटर कॉलम। नेक्स्ट टर्म फीस बाय टर्म फीस 2,08,000, अमाउंट जीरो के नीचे जीरो आना चाहिए बराबर। उसके बाद सन्ड्री रिसीट्स बाय सन्ड्री रिसीट्स 8,000 इन आउटर कॉलम। एडमिशन फीस एडजस्टमेंट नहीं ना, एडमिशन फीस 60,000। डन, ये हो गए अपनी रिसिट साइड कंप्लीट। नाउ लेट्स सी पेमेंट साइड। सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ एक्सपेंडिचर में लिखोगे 2, सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ 11,70,000 इन आउटर कॉलम। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 55,000 आउटर कॉलम। बुक्स, बुक्स की ट्रीटमेंट बताई ना आपको, असेट में जाओ पहले बुक्स लिखो, बुक्स का ओपनिंग बैलेंस लिखना है जो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है। हाँ 6 लाख यहां पर लिखोगे आप, उसमें ये जो रिसिट एंड पेमेंट में जो बुक दी है वो क्या करेंगे परचेस करके ऐड, कि हमने पूरे मतलब ये शुरू में बैलेंस था, ड्यूरिंग द ईयर हम लोग ने नए बुक क्या किए परचेस किए, ऐड परचेसेस कितने के परचेस किए 61,000 के परचेस किए, तो अपने पास टोटल बुक्स हो गए 6,61,000। लेकिन अगर आप आउटर कॉलम में अमाउंट देखोगे बाहर 31 मार्च 2019 का बैलेंस हमें दे रखा है ना नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, वो कितना दे रखा है 6 लाख। क्या समझ में आया कि बुक्स कम हो गए, कम हुए मतलब डिप्रिसिएट होना, तो यहाँ पर क्या है ये इसके अंदर हिडन डिप्रिसिएशन हमें दे नहीं दिया नहीं, लेकिन क्या है यहाँ पर डिप्रिसिएशन है कितना 61,000 का, लेस डिप्रिसिएशन 61,000। द सेकेंड इफेक्ट ऑफ डिप्रिसिएशन आप लिखोगे एक्सपेंडिचर साइड में 2 डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स, ऐसे ही किसके ऊपर आने वाला है फर्नीचर भी आने वाला है, लिख कर रखेंगे। बुक्स का कितना आ गया 61,000, फर्नीचर का आने दो फिर टोटल करेंगे। नेक्स्ट बुक्स के बाद फर्नीचर आ गया, फर्नीचर फर्नीचर का पहले ओपनिंग बैलेंस लिखोगे आप यहाँ पर, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस लिखोगे फर्नीचर 1 अप्रैल वाला बैलेंस कितना है 3,19,000। ऐड करेंगे सेम बुक्स की तरह ही जो फर्नीचर रिसिट एंड पेमेंट में दिए वो क्या हो जाएंगे इसमें, ऐड परचेसेस 51,000, तो इनर में आ गए 3,70,000। आउटर कॉलर में फर्नीचर का अमाउंट दे रखा है मतलब 31 मार्च का बैलेंस दे रखा है फर्नीचर का 3 लाख का, तो इससे समझ में आ रहा है कि फर्नीचर कम हुए यानी कि डेप्रिसिएट हुए, तो डेप्रिसिएशन आ रहा है फर्नीचर के ऊपर 70,000 का। तो सर फर्नीचर का डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर साइड दोनों का टोटल 1,31,000, सही है इन आउटर कॉलम। चलो ये हो गया फर्नीचर और बुक्स की ट्रीटमेंट, सेकेंड इफेक्ट आपको डेप्रिसिएशन का देना है एक्सपेंडिचर साइड। नेक्स्ट स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में लिखोगे 2
स्टेशनरी, अमाउंट ऑफ स्टेशनरीज कितना? 21,850. आगे फिक्स्ड डिपॉजिट है, कहाँ लिखोगे? एसेट साइड में फिक्स्ड डिपॉजिट. आप इनर में दोनों फिक्स्ड डिपॉजिट को ऐड करके लिख सकते हो, या फिर दोनों आउटर में भी ओल्ड न्यू करके ऐसे भी लिख सकते हो. ये ओल्ड है ना? नहीं, ये न्यू है. ओल्ड तो 1 अप्रैल का है, ये न्यू है ना? 8,50,000 वाले, 8 लाख, ये न्यू है ना? पुराने वाले उधर दे रखे हैं नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में. बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस. कैश इन हैंड असेट में लिखोगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. चलो अमाउंट बताओ. 650 यानी 2 लाख. 650 और इसका है 2 लाख, दोनों का टोटल करके लिखे तो 2,16,650 इन आउटर कॉलम. ये रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया यहाँ पर कंप्लीट. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो चीज़ें दी रखी है उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं. बुक्स का रिकॉर्डिंग कर लिया, फर्नीचर का रिकॉर्डिंग कर लिया, बिल्डिंग फंड, कैपिटल के लिए जगह छोड़ दो, नीचे लिखो बिल्डिंग फंड. एडजस्टमेंट है बिल्डिंग फंड पे, दैट्स वाई अमाउंट आप लिखोगे इनर कॉलम में 10 लाख. एडजस्टमेंट है ना? और एक लाइन छोड़ दो बिल्डिंग फंड के लिए. नेक्स्ट इज फिक्स्ड डिपॉजिट. एसेट में लिखोगे फिक्स्ड डिपॉजिट, और ये पुराने वाले ओल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट है अपने, कितने के ये? 9,10,000 के, लिख दो आउटर में 9,10,000. नेक्स्ट हमें कैपिटल फंड दे रखा है. लाइबिलिटी में लिखो शुरू में कैपिटल फंड, क्या अमाउंट है? 9,47,400. डन. एडिशनल इंफॉर्मेशन का भी रिकॉर्डिंग हो गया. अभी एडजस्टमेंट्स नीचे जो दे रखे हैं. फर्स्ट 50% आर डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू. बिल्डिंग फंड डोनेशन जो है इसका 50% किसे देना है? बिल्डिंग फंड को. तो यहां से निकालेंगे इसको दे देंगे, यहां से लेस उसमें जाकर ऐड, लेस 50% फॉर बिल्डिंग फंड, इसका आधा करो 3,50,000. आउटर में आ गए 3,50,000. सेकेंड इफेक्ट, बिल्डिंग फंड में जाकर ऐड 50% डोनेशन. डोनेशन यहाँ ऐड करो 3,50,000 का, आउटर में आ गए 13,50,000. ये हो गई फर्स्ट एडजस्टमेंट. क्या ट्रीटमेंट किया डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड का? डोनेशन में से लेस, बिल्डिंग फंड में ऐड. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट क्या हो रही है? सब्सक्रिप्शन में एड, सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड एड आउटस्टैंडिंग. कितना है रे? 5,300 एड कर दो, आ गए 600 और ये 33,600. ओके, ये हो गया सब्सक्रिप्शन. सेकेंड इफेक्ट आप इसका लिखोगे एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. कितना आउटस्टैंडिंग है? 5,300. आगे लाइफ मेंबरशिप आर टू बी कैपिटलाइज. लाइफ मेंबरशिप किसको देनी है? कैपिटल को देनी है. लेस, हाँ, कैपिटलाइज्ड. कुछ परसेंटेज नहीं दिए तो पूरा का पूरा देना है. 25,000 पूरा दे देंगे, यहाँ नील कुछ नहीं रहा. किसको देना है? कैपिटल को. एड लाइफ मेंबरशिप
फीस कितनी थी वो 25,000 पूरी ऐड कर देंगे, आउटर में आ गए 9,72,400। हाँ और कुछ एडजस्टमेंट बाकी है इसमें? सारे एडजस्टमेंट हो गए, सारे अमाउंट आउटर कॉलम में है क्या चेक करना है? सब आउटर में दिख रहा है। हाँ तो अभी करेंगे हम लोग क्लोजिंग। सबसे पहले आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करोगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करने के लिए ले लो कौन सी साइड ज़्यादा है? इनकम साइड ज़्यादा। कितनी आ रही है इनकम साइड की टोटल? 19,37,400। सभी की इतनी आ रही है? चेक करो टोटल करो। चलो 19,37,400 इसमें से आप एक्सपेंस वाली साइड लेस करोगे, देन आपको मिलेगा सरप्लस। यहां लिखना है टू सरप्लस, ब्रैकेट में आपका आ गया एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। व्हाट इज द सरप्लस? 5,59,550। ये आपका आ गया यहाँ पर सरप्लस। सरप्लस को करेंगे कैपिटल फंड में ऐड। ऐड सरप्लस 5,59,550 कर लो ऐड। आउटर में क्या आ रहा है? 15,31,950। इसके बाद अपना बैलेंस शीट होना चाहिए टैली। चलो चेक करो टैली हो रहा है कि नहीं। कितने से टैली हो रहा है? 28,81,950। सभी ने टोटल करके चेक करना है कि आपका बैलेंस टैली बैलेंस शीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। टोटल सभी ने करनी है। टोटल अमाउंट कैलकुलेशन ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट होना ज़रूरी है। हाँ बस यहाँ पर देखकर टोटल लिखो मत, आपको टोटल करके चेक करना है कि सच में उतनी टोटल आ रही है नहीं आ रही। बैलेंस शीट टैली हो रहा है नहीं आपका देखना है। टोटल सभी ने करनी है। टाइम लगा तो लगने दो लेकिन टोटल की प्रैक्टिस करने के लिए होनी चाहिए। कैलसी अलाउड नहीं है आपको, ठीक है? यहाँ पर कोई डाउट इसको इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत? क्लियर है सारी चीज़ें? ओके गुड। हाँ तो आज के लेक्चर में हम लोग फिर इतना ही करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में।